रेवाड़ी में शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित की गई स्कूल राजकीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के आज अंतिम दिन फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें अंडर 17 में तो हिसार ने भिवानी को हराया, वहीं अंडर 19 में हिसार को हरा भिवानी ने जीत हासिल की। हम रोजाना तीन टाइम लगभग ज़्यादातर तीन टाइम भी करते हैं कुछ समय के लिए, जब गेम ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तब तीन टाइम तो बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं हमारे कोच, और हमारी पूरी टीम पूरा प्रयास करती है कि भिवानी हर बार गोल ही लेकर जाए। तो हर बार किसके साथ मुकाबला रहता है, हिसार के साथ ही रहता है? अब तो हम ऐसा मानते हैं कि हिसार भी ज़्यादा वो नहीं रही है, हम उसे आसानी से जीत सकते हैं। अच्छा, लेकिन कभी कभार आड़ लक के कारण आना। सर, हमारी पूरी टीम का ये लक है कि हम बहुत अच्छा खेले और हम 1-0 से विनर रहे, ये खुशी की बात है कि हम जीते, लेकिन हमारी कुछ इसमें कुछ कमी भी रही है, वो हम आगे रूटीन की प्रैक्टिस में उनको सुधारना चाहते हैं। हमारी प्रैक्टिस सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक होती है और शाम को 3 से 7 बजे तक होती है। शाम को हम 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और सुबह 1 बजे, इसमें हमारी कोच मैम सोनिका बिजानिया और हमारा पूरा स्कूल स्टाफ, हमारे PTI सर, हमारे DPI सर पूरा साथ देते हैं और हमारे ग्राउंड पे 150 से 200 लड़की आती है हर रोज। क्या भविष्य में, क्योंकि अब प्रदेश स्तर का आप खेल रहे हो लगातार, आप जीतते आ रहे हो, अब आगे क्या करना है? हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां नेशनल में तो बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल में हमारी कुछ ही है, जैसे 19 में भी एक लड़की है हमारी इंटरनेशनल, और 17 में भी हम चाहते हैं कि हम अच्छा प्रैक्टिस करें और इंटरनेशनल में हम अच्छी टीम में हमारी लड़कियां ज्यादा से ज्यादा हो जाए। आपको बता दें कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता 3 अक्टूबर को शुरू हो गई थी, जिसमें प्रदेश भर की अंडर 17 और अंडर 19 में फुटबॉल, नेटबॉल और कराटे खेलों की 96 टीमों ने हिस्सा लिया। अंडर 19 में विजेता टीम भिवानी के गांव अरबपुरा के स्कूल की है, जो फुटबॉल में प्रदेश की बेहतरीन टीम है। खिलाड़ियों का कहना है कि वो सुबह शाम 3-3 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, यही कारण है कि उनकी टीम विजेता रहती है। क्या नाम है? मेरा नाम शिक्षा है, मैं अलगपुरा गाँव फुटबॉल खेलती हूँ, और मेरे को खेलते हुए 5-6 साल हो गए हैं, और वहाँ पे हमारे गोर्धन सर, PTI और रिंदर सर, डीपी सर और सोनिका मैम हमारी 3 टाइम प्रैक्टिस करवाती हैं, जब गेम मान लीजिए जाते हैं। किस किस लेवल पे खेले हैं आप? मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुकी हूँ, अंडर 14 नेपाल और अंडर 16 चाइना। किस तरह से रहता है पूरा दिन, इतनी मेहनत करते हो इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुँचे हो, कितनी मेहनत करते हो, किस तरह से करते हो? हम 3 टाइम मेहनत करते हैं, सुबह और दोपहर में शाम। तो अब रेगुलर आपकी प्रदेश में टीम जीत रही है, आगे क्या करने का इरादा है, क्योंकि इंटरनेशनल तो आप खेल चुके हैं, आपके जो बाकी खिलाड़ी है वो आपसे बातचीत करते हैं किस तरह से आगे बढ़े, पूरी टीम आगे जाए? हम चाहते हैं कि हमारी पूरी अलग प्रोग्राम की टीम पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जाए और वहाँ पे भी हम गोल्ड लेके। वही अंडर 19 में जहाँ भिवानी ने हिसार को पछाड़ा, वही अंडर 17 में हिसार ने भिवानी को भी हराया। दोनों टीमों के कोच का कहना है कि लड़कियां ज्यादा कड़ी मेहनत करती हैं, सुबह अभ्यास करके स्कूल आती हैं और फिर कई किलोमीटर का सफर तय करके शाम को अभ्यास करती हैं। एक्चुअली हमारे ग्राउंड पर सुबह और शाम दोनों टाइम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और रेगुलर नियर अबाउट 150 के आसपास लड़कियां जो है सुबह और शाम रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं, और इसी का कारण है कि भाई लड़कियाँ जो हैं फाइनल मैच खेलती हैं, रिजल्ट जो है अप डाउन फर्स्ट और सेकंड का हो सकता है, लेकिन लड़कियां सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रही हैं। अच्छा, इसके पीछे हमारा गांव जो है लगपुरा और हमारा जो स्कूल का स्टाफ है वो दोनों बड़ा कोऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हाँ लड़कियां एक ही स्कूल की हैं सारे। कौन सा? GSS अलगपुरा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलगपुरा भिवानी। ठीक है, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं? रेगुलर रूटीन में अगर काउंटिंग नॉर्मली लगाई जाए तो लगभग 150 के आसपास लड़के सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करने आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की।